ये हमारे असद भाई इंजन ऑयल खोलते हुए आपको दिखाएंगे कहाँ से इंजन ऑयल, इसमें 30 नंबर चैम्बर नट बताएंगे। असद भाई बताएंगे कहाँ से इसका चैम्बर नट है। भाई यहाँ पे लगा होता है चैम्बर, 19 नंबर बोल्ट लगा हुआ है चैम्बर का, ये ऑयल निकाल लिया मैंने। 19 नंबर स्पिनर से खुलेगा ये। जी हाँ। अच्छा, ऑयल फिल्टर भाई किधर है? काफी ध्यान से खोलना पड़ता है इसलिए। अच्छा अच्छा, ये देखिए भाई इसका ये एयर फिल्टर है, ये इसका केबिन फिल्टर है, एसी फिल्टर इसको बोलते हैं, ये इसका कूलेंट बॉटल है, ये इसका डीजल फिल्टर है, ये इसका ऑयल का कहते डिस्ट्रिक्ट गेज है, ये इसका ऑयल फिल्टर है, यहाँ पे लगा रहता है ये ऑयल फिल्टर है, ये यहाँ से इंजन ऑयल होगा, ये इसका वेस्टिंग का कहते वाइपर पानी बॉटल है, वाइपर बॉटल, वाइपर बॉटल है यही है। ये इसका एसी फिल्टर की लोकेशन हम आपको दिखाते हैं, ये एसी फिल्टर की लोकेशन ये देखिए, यहाँ पे एसी फिल्टर लगता है, ये ऑडी, Q3 TDI, ये इसके रियर बैक्स हुए, ये इसके फ्रंट ब्रेक्स हुए, ये इसके हम लोग ब्रेक्स भी चेंज कर रहे हैं, ये पिछले ब्रेक्स हुए हैं ये भी चेंज कर रहे हैं, ये इसका सस्पेंशन है, बाकी आपको वीडियो मिलती रहेगी आगे, मिलेगी आपको इंशाल्लाह। गाड़ी ये सब्सक्राइब करें, हो जाए कंप्लीट, आवाज़ का जो मसला है पहले ये दूर कर दें। ये हमारे असद भाई ऑयल फिल्टर खोलते हुए आपको दिखाएंगे। लाइट ऑन मिला असद भाई, कई नंबर स्पिनर से ऑयल फिल्टर खुलता है इसका? इसमें 32 नंबर गुटका लगता है, ये इंटेक मैनिफोल्ड के नीचे होता है ऑयल फिल्टर सम्प इसका। अच्छा लाइए भाई। असद भाई बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है भाई, प्लास्टिक का होता है, स्लिप हो सकता है, टूट। असद भाई मैं बताएंगे इसका टर्बो चार्जर कहाँ लगा है, ये टर्बो चार्जर लगा है, ये लगा है भाई, अभी हम लोग ने इसमें रिपेयर किया टर्बो चार्जर भी, एक ओडी Q7 का रिपेयर किया था, आई थी हम लोगों के पास, उसमें पिकअप की प्रॉब्लम थी, टर्बो खराब हो गया था और कट गई थी उसकी अंदर की पंखी, हम लोग का वीडियो उसका नहीं मिल पाया, हम लोग वीडियो बना नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बिजी थे, बाकी आपको वीडियो मिलने वाला है। ये गाड़ी खड़ी है इंडिको, ये इंजन के लिए है, इको स्पोर्ट खड़ी है इधर, वो इंजन के लिए है,